आज 16 अक्टूबर 2020 को साकार पर भाषण प्रतियोगिता बीआर आदर्श पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय पट्टी की बावड़ी चपात में हाउसिंग बोर्ड हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम करुणा कल केंद्र जोधपुर करुणा इंटरनेशनल से नई संबंध में केसी नंबर 2338 से मैं संपत राज सुतार प्रधानाध्यापक बी आर आदर्श पब्लिक स्कूल करुणा कल्ब प्रभारी एवं संयोजक करुणा कल्ब केंद्र जोधपुर तपासनी हाउसिंग आज साकार पर जो स्पीच पर मैं सबसे पहले साकार क्या होता है साकार के बारे में साकार किसे कहते हैं जो वनस्पतियों से फल बीज पौधे से प्राप्त सब्जी है जो साकार जिनके अंदर किसी जीव की उत्पत्ति नहीं होती है वह भोजन जिसके अंदर किसी जीव की उत्पत्ति नहीं होती है वह भोजन शाकाहारी भोजन कहलाता है। सबसे विशेष है आहार। आहार हमारे जीवन के व्यक्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आहार दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक शाकाहार और नंबर दो मांसाहार। तो हमें शाकाहारी भोजन करना चाहिए। आजकल जो इतनी महामारी कोरोना महामारी चल रही है यह मांसाहारी भोजन करने वालों में सबसे सर्वाधिक है, क्योंकि शाकाहारी भोजन करने से हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन एवं विटामिनों की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो लाल रक्त वाहिनी है कणिकाएँ हैं वो हमारे शरीर में रोग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, यानी किसी प्रकार का हमारे शरीर के अंदर रोग होता है वो उनका निवारण करती है। इसलिए हमें मांसाहार को त्याग कर साकार भोजन करना चाहिए। हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म है। साकार जो है सनातन धर्म के अंदर जैन धर्म सबसे जो है श्रेष्ठ साकार भोजन के लिए जो है अपना कार्यक्रम चला रहे हैं और हर व्यक्ति को मांसाहार त्यागने की जो है प्रशंसित कर रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए ताकि हमारा जीव हमारे शरीर के अंदर रोग किसी प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा मिल सके और हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा।